साथियों, आज हम एक नई सीरीज द हिंदू वोका बूस्टर शुरू कर रहे हैं। द हिंदू के आर्टिकल से कुछ वर्ड्स हम लेंगे और उन वर्ड्स को हम एक्सप्लेन करेंगे, उन वर्ड्स को हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे ये हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो हमारा नया सीरीज है, नई जो टॉपिक है वो है द हिंदू वोकैबुलरी बूस्टर। द हिंदू में जो वोकैबुलरी आई हुई है अक्सर एग्जाम में यहां से पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको यहां से शुरू करने का प्रयास किया है। देखते हैं पहला वर्ड क्या है हमारा। पहला वर्ड है सी ओ यू पी। इसका सही प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो है कू। दोबारा देख लें, सी ओ यू पी, इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है कू। अक्सर बच्चे इसको कूप कह सकते हैं, काउप कह सकते हैं, ऐसा आप नहीं बोलेंगे, इसको कहेंगे आप कू। इसका मतलब होता है वेरी इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव एंड सरप्राइजिंग सक्सेस, बहुत ही शानदार जीत जिसको आप लोग कहते हैं, वेरी इंप्रेसिव एंड सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंग सक्सेस के लिए इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। कौन से वर्ड का? कू वर्ड का प्रयोग किया जाता है। आज का हमारा पहला वर्ड जो है वो है कू। कू का मतलब होता है वेरी इंप्रेसिव एंड सरप्राइजिंग सक्सेस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शानदार जीत। शानदार जीत जिसको हम कहते हैं वो इसका मतलब होता है। इसका मतलब होता है अचीवमेंट। दूसरे वर्ड जो हम इसके कह सकते हैं, इसके लिए हम कह सकते हैं अचीवमेंट वर्ड हम काम में ले सकते हैं। इसके लिए हम अकम्प्लिशमेंट काम में ले सकते हैं, अकम्प्लिशमेंट, ये इसके सिमिलियर वर्ड हो सकते हैं। अब हम इनको देखते हैं कि इनका यूज कहां करें हम। तो आज के ही न्यूज़पेपर में छपा है डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक कू, रणनीतिक जीत। देखिए आप जब वर्ड्स को याद करेंगे तो ऐसे ही याद होंगे, डिप्लोमेटिक कू, रणनीतिक जीत, रणनीतिक विजय, जिसको आप डिप्लोमेटिक कू कहेंगे। ठीक है, कू का मतलब होता है शानदार जीत। इट इज अ कू, इट इज अ कू टू गेट द एग्जामिनेशन पास्ड। एग्जामिनेशन को पास करना एक बड़ी जीत है। इट इज अ कू टू गेट सेलेक्टेड इन दैट जॉब, उस जॉब में सफलता पाना, सेलेक्ट होना, इट इज अ कू। क्या है ये? शानदार जीत है। ठीक है, अब हम आज का दूसरा वर्ड देखते हैं, कल्मिनेशन। दूसरा वर्ड जो हमारा है वो है कल्मिनेशन। कल्मिनेशन का मतलब होता है द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, हाइएस्ट पॉइंट, जिसकी चरम सीमा आप लोग कहते हैं हाइएस्ट पॉइंट, हाइएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का जो उच्चतम स्तर होता है, दैट इज कॉल्ड कल्मिनेशन। उसको क्या कहा जाता है? कल्मिनेशन कहा जाता है। जिसको पीक आप लोग कहते हैं वो कल्मिनेशन होता है। ठीक है, जिस तरह से हम कहीं भी यूज कर सकते हैं इसको, दिस इज द कल्मिनेशन ऑफ हर एफर्ट्स, ये उसके प्रयासों की चरम है, ये उसके प्रयासों का अंतिम पॉइंट है, पीक पॉइंट है, जिसको हम क्या कहते हैं? कल्मिनेशन। द डिस्कशन हैज रीच्ड द कल्मिनेशन, ऐसा भी हम इसको यूज कर सकते हैं। द डिस्कशन हैज अगर डिस्कशन होता तो हम हैव लिख देते, द डिस्कशन हैज रीच्ड द कल्मिनेशन, CULMINATION, कल्मिनेशन। डिस्कशन कहां पहुंच चुका है? चरम सीमा पे पहुंच चुका है। और प्रिपरेशंस, हमारी तैयारियां, हैव रीच्ड द कल्मिनेशन, कहां पहुंच गई है? चरम सीमा पे पहुंच गई है। ठीक है, तो कल्मिनेशन का मतलब होता है द हाइएस्ट पॉइंट, द क्लाइमेटिक पॉइंट ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड कल्मिनेशन। अब एक वर्ड और है, ड्रम अप। ये बहुत ही शानदार फ्रेजल वर्ब है, ड्रम अप। क्या होता है ड्रम अप, आज हम देखेंगे इसको भी। ड्रम अप फ्रेजल वर्ब है। ड्रम अप का मतलब होता है टू गेट, टू जनरेट, GENERATE, टू गेट, टू जनरेट, टू रिसीव, टू रिसीव, ये इसके सिमिलियर वर्ड हो सकते हैं। किसके? ड्रम अप के। प्राप्त करना, जनरेट, पैदा करना। वी आर ट्राइंग टू ड्रम अप, हम कोशिश कर रहे हैं टू ड्रम अप सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, हम दूसरों से सपोर्ट प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग टू
ड्रम अप वी आर ट्राइंग टू गेट सपोर्ट्स फ्रॉम अदर्स वी आर ट्राइंग टू ड्रम अप इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस वी आर ट्राइंग टू ड्रम अप इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस अलग अलग साधनों से हम चीजों को समय को सूचनाओं को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं तो ये होता है ड्रम अप क्या होता है ड्रम अप प्राप्त करना जनरेट करना उसके बाद एक है हमारा ये idiom है जिसको हम मुहावरा कहते हैं क्या है मुहावरा might and main इसका मतलब होता है with full force पूरी ताकत के साथ इसको हम कहेंगे with full force पूरी ताकत के साथ with might and main he attacked उसने अटैक किया the punching bag उसने punching bag पे अटैक किया with might and main पूरी ताकत के साथ उसने punching bag पे क्या किया अटैक किया he worked with might and main he practiced with might and main to get selected in Indian Air Force इंडियन एयरफोर्स में सेलेक्ट होने के लिए उसने पूरी ताकत के साथ प्रैक्टिस की पूरी ताकत के साथ उसने मेहनत की तो माइट एंड मेन का मतलब होता है पूरी ताकत के साथ पूरे प्रयास के साथ पूरी हिम्मत के साथ ठीक है वी हैव टू वर्क विद माइट एंड मेन टू गेट सक्सेस सक्सेस लेने के लिए हमें पूरी ताकत के साथ काम करना चाहिए तो दिस इज कॉल्ड माइट एंड मेन अब एक लास्ट में जो है वो है ये क्यों लिया भी हमने आप कहेंगे सर जी ये तो बहुत ही आसान सा वर्ड है एडवाइस एंड एडवाइस तो मैंने ये क्यों लिया समझिएगा आप लोग सबसे पहला तो ये है कि ये जो वर्ड है ये ADVIC सबसे पहला तो ये कि इसको बोला कैसे जाता है ये होता है एडवाइस ये एडवाइस है और ये नाउन है क्या है ये नाउन है दूसरा जो वर्ड हम देखेंगे वो है ADVISE ये वर्ड है दूसरा इसके प्रोनंसिएशन में अंतर है इसको एडवाइस कहते हैं ये एडवाइस है एडवाइस इसको ऐसे कहते हैं और ये एडवाइस है एडवाइस ये अंतर है दोनों में ये सै बोला जाता है और ये जय बोला जाता है एडवाइस एंड एडवाइस ठीक है ये नाउन है और ये वर्ब है ये क्या था ये नाउन और ये वर्ब एडवाइस ये नाउन है और ये क्या है वर्ब है इसलिए हमने इसको लेना उचित समझा एक एक एग्जांपल हम इसका देख लेते हैं ही गेव मी अ यूजफुल एडवाइस ही गेव मी अ यूजफुल एडवाइस अब देखिए यहां गेव वर्ब है इसलिए हमें क्या चाहिए नाउन चाहिए उसने मुझे एक बहुत उपयोगी सलाह दी अगर इसको हम वर्ब की तरह काम में लेते लिखते हैं ही एडवाइज्ड मी यहां ये वर्ब है तो हम इसको बोलेंगे एडवाइज्ड और ये क्या था एडवाइस तो दोस्तों ये थे आज हमके हमारे पांच वर्ड जिसको हमने नाम दिया है द हिंदू वोकैब बूस्टर यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जरूर इसको शेयर करें कोशिश करेंगे हम रोजाना आपको पांच वर्ड दें ताकि आपका जो वर्ड पावर है वो बहुत मजबूत हो जाए आपको इंग्लिश बोलना लिखना समझना बहुत अच्छे से आ जाए थैंक यू वेरी मच